दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है, ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से शुरू से ही चर्चा का विषय रहा है। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो माउंटबेटन योजना के आधार पर 1947 ईस्वी में किया गया था। माउंटबेटन योजना के आधार पर पाकिस्तान संघ की स्थापना जहां 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ, वहीं भारतीय संघ की स्थापना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। तो हम लोग देखते हैं दोनों के गठन के आधार क्या था। भारतीय संघ की जहां गठन के आधार पंथ निरपेक्ष बहुलवादी और लोकतांत्रिक था, वहीं पाकिस्तान संघ की स्थापना का आधार ही था सांप्रदायिकता, धार्मिक तथा भारत विरोधी। तो हम लोग देख सकते हैं कि गठन के समय से ही भारत विरोधी पाकिस्तान का गठन ही हुआ। तो शुरू से ही भारत और पाकिस्तान एक विरोधी धुर के रूप में रहे हैं और किसी भी मुद्दे से हो रहे ऐतिहासिक या राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय ही रहा है। जो पाकिस्तान का गठन है, कहने को तो वहां पे लोकतंत्र है, लेकिन आप देखिएगा शुरू से ही लगभग सैन्य शासक ही वहां पे रहे हैं। वर्तमान में भी जो बाजवा सरकार है, कभी भी इमरान सरकार को उपलट करके सैन्य शासन वहां पे स्थापित कर सकते हैं। यानी लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ कहने को है, कभी भी वहां सैन्य शासक और सैन्य शासक ही वहां पे हावी रहा है। वहीं आप देखिएगा इस सैन्य शासक हावी रहने के कारण पाकिस्तान का विकास वगैरह सभी चीज वहां पे अवरुद्ध होता है। 1947 को दोनों राष्ट्र का गठन हुआ था, किंतु भारत बहुत आगे निकल गया और पाकिस्तान वहीं का वहीं है। ठीक है, तो हम दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम लोग अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान के विवाद के क्या क्या कारण रहे। तो विवाद का कारण इसका जड़ ही है, तो जो बंटवारा हुआ था जब उसी के फलस्वरूप यहाँ विवाद उभरता रहा है। तो सबसे पहला जो विवाद का कारण था जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का जो गठन था उसी समय से यहाँ विवाद का कारण रहा है। जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग भी बोला जाता है, स्वर्ग को कोई खोना नहीं चाहेगा, या तो भारत रहे या तो पाकिस्तान। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो गठन हुआ था और विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, लगभग सभी राजवाड़े थे भारत में विलय कर लिए थे, किंतु तीन राजवाड़े जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर तीनों स्वतंत्र रहने का फैसला लिए किया था। किंतु देखिएगा जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया, वहीं हैदराबाद को सैन्य ताकत के बल पे भारत संघीय संघ में विलय किया गया। वहीं जम्मू और कश्मीर को हरी सी विलय करने के पक्ष में नहीं थे, हरी सी चुकी वहां का शासक थे, वो हिंदू थे और वहां के 75% जो जनता थी मुसलमान थी। किंतु वहां देखिएगा कि 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी में ही वहां के सेना के सहायता से कबीलाई ने आक्रमण कर दिया, यानी जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया कबीलाई ने। उसके बाद 24 अक्टूबर को हरी सिंह एक विलय पत्र पे भारत के साथ सिग्नेचर किया। वही विलय पत्र पे सिग्नेचर करने के बाद यहाँ के सरकार ने जम्मू कश्मीर के पास अपनी सेना भी भेजी और उधर से जो हमला किया था पाकिस्तान वो कुछ क्षेत्र हड़प लिया था। जैसे आप देख सकते हैं पीओके को आप देख सकते हैं, ये पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ तक सेना आ चुका था और वहां तक जब भारतीय सेना गई तो भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को वहीं पे रोक दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कश्मीर का हिस्सा पीओके ए वाला हिस्सा है और सियाचिन आपका ए वाला हिस्सा मैप में आप लोग देख सकते हैं। फिर अक्साई चाइना ए है, यानी ऑक्युपाइड बाय चाइना द्वारा हथियाया गया है और जम्मू कश्मीर का ए वाला हिस्सा है।
ठीक है, तो आप लोग मैप में देख रहे होंगे। तो इसी समय फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो कबीलाई हूँ आक्रमण किया, इसी समय यहाँ के जो उस समय शासक थे माउंटबेटन, उन्होंने यूएनओ में इस मामला को उठाने के लिए कहा। उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने ये मामला लेके यूएनओ में, और उस समय यूएनओ द्वारा एक यूएनआईपी का गठन किया गया, यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन हुआ। और उसी समय जो गठन हुआ तो यूएनओ द्वारा बोला गया कि जिसका सेना जहां पे है वहीं पे रुक जाए, और वहां पे समझौता हो गया। पाकिस्तानी सेना यहां तक यानी पीओके के पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक के कब्जा में अभी भी वहां पे कश्मीर है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि विवाद का मुद्दा क्या रहा। लगभग एक तिहाई जमीन अभी पीओके में है, ठीक है। ये विवाद का हर समय मुद्दा रहा है। पाकिस्तान द्वारा इधर से जब मन तब अटैक किया जाता है और सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, ठीक है। इसी समय रेड क्लिफ द्वारा सीमा भी तय किया गया था, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि जब जम्मू कश्मीर की अलग संविधान था और 370 धारा था जो 1954 ईस्वी में राष्ट्रपति के सहमति से वहां पे अलग संविधान का भी गठन हुआ था, और 370 का गठन हुआ था, 35A का गठन हुआ था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। जैसे वहां का तिरंगा अलग था, भारतीय तिरंगा को अपमान भी कोई करते हैं तो उसके लिए भी वहां पे कोई केस या कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था। वहां के लड़कियां अगर जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर शादी करते हैं तो उनकी नागरिकता खो जाती है। वहां के लोगों को बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए थे। अगर बाहरी लोग वहां जाकर के बसे हुए हैं तो वोटिंग का अधिकार नहीं था, तो बहुत सारे जो अधिकार नहीं थे। किंतु आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर जो वर्तमान सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर उनको 370 जो धारा है और 35A धारा है उसको बिल्कुल हटा दिया गया, यानी आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को दो भागों में देखा जा सकता है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांटा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह एक विधानसभा भी रहेगा, वहीं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया है, ठीक है। वर्तमान में जो वहां के समस्या है आतंकवाद और अलगाववाद है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्तमान में डायरेक्ट पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे सीज फायर का हर समय उल्लंघन किया जाता रहा है। वर्तमान में भी देखिएगा कि बहुत सारे वहां पे सीज फायर का उल्लंघन होते रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हम लोग जल विवाद या सिंधु जल विवाद वहां का क्या रहा है। सिंधु जल विवाद यहाँ पे 1960 में विश्व बैंक के मध्यस्थता में सिंधु जल समझौता हुआ था, विश्व बैंक के मध्यस्थता में। यहीं पे देखिएगा कि सिंधु प्लस 5 जो नदियां थी उसके सिंधु के सहायक नदियां के जल का बंटवारा हुआ था, ठीक है। पश्चिमी नदी सिंधु झेलम तथा चिनाव के जो 80% जल का पाकिस्तान उपयोग कर सकता है, वहीं 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है, उसी समझौता में कहा गया था। वहीं ब्यास एवं सतलज के जल का भारत पूर्ण रूप से यानी ब्यास और सतलज के जल का पूरे भारत उपयोग कर सकता है। ये जल विवाद भी एक मुद्दा हर समय बना हुआ रहता है। पाकिस्तान का कहना है कि कोई भी वहां पे अगर जल पे भारत पन बिजली वगैरह का काम करता है तो पाकिस्तान के तरफ का पानी अवरुद्ध हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हर समय विवाद का बिंदु बना हुआ रहता है। हाल ही में जो हमला हुआ था बहुत सारा मुद्दा उठा था कि भारत सिंध का पानी ही बंद कर दे,
चूंकि आप देखिएगा कि इसका जो बहाव है भारत होते हुए ही जाता है, तो ये चीज भारत नहीं कर सकता है, वो पानी बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल समझौता ही वैसा है। अगर भारत किसी राष्ट्र का या राज्य का पानी बंद कर देता है तो दूसरे राष्ट्र से जो नदियां आ रही है भारत में और पानी आ रहा है वो भी बंद कर सकते हैं, तो ये जल समझौते के तहत ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तीसरा विवाद हो गया सियाचिन विवाद। सियाचिन विवाद जो 1984 में ऑपरेशन अबाबीन के तहत पाकिस्तान द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अबाबीन यहाँ के पाकिस्तान का नाम था। ठीक है, अबाबीन के तहत पाकिस्तान द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया था। वहीं 84 में ही भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चला करके यहाँ इसको नियंत्रण में कर लिया सियाचिन को। सियाचिन देख सकते हैं कि सामरिक और ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सियाचिन का ये पोर्शन हो गया। सियाचिन जो है, सियाचिन का पोर्शन यहाँ से अक्साई चीन पे भी भारत नजर रख सकता है, पीओके पर भी भारत नजर रख सकता है और जम्मू कश्मीर पे भी भारत नजर रख सकता है। यानी अक्साई चीन भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अक्साई चीन को, सियाचिन को भारत नहीं छोड़ सकता है, सियाचिन ग्लेशियर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद, इसी विवाद के कारण 1965 ईस्वी में पाकिस्तान हमला किया था, हालांकि फिर हमला किया था, पाकिस्तान को उस समय हरा दिया गया। सर क्रीक, सर क्रीक एक नदी बहती है पाकिस्तान में, वही सर क्रीक, ये सीमा जो है पूंछ में, ये सर क्रीक के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, यहीं पे हमला किया था। और भारत बोलता है कि ये नदी पूरे पूरे मेरे तरफ, सर क्रीक एक नाला के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आतंकवाद एवं अलगाववाद के माध्यम से दोनों, यानी पाकिस्तान और भारत में हर समय विवाद रहता है। 1980 के दशक से ही पाकिस्तान छदम युद्ध के रूप में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। छदम युद्ध यानी प्रॉक्सी वार, प्रॉक्सी वार के तहत ये बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, वहीं देखिएगा चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियार तथा परमाणु तकनीक का हस्तांतरण। चीन पाकिस्तान को परमाणु तकनीक और जो हथियार है वो हस्तांतरित कर रहा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ये हथियार भारत विरोधी के रूप में इस्तेमाल करेगा। वहीं आप देखिएगा जो भारत और पाकिस्तान और चाइना का जो वोर परियोजना है, वन बेल्ट वन रोड, वो अक्साई चीन और पीओके होते हुए ही आगे बढ़ता है। तो इसके माध्यम से भी जो चाइना है वो पाकिस्तान डायरेक्ट रूप से हथियार वगैरह पहुंचा सकता है, जो वोर को हर समय भारत विरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2013। कुल लागत 46 अरब डॉलर यानी 31 लाख करोड़ लगा है सीपीईसी। ये भी एक विवाद का मेन मुद्दा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंध में क्या उतार चढ़ाव रहा है। भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है शुरू से ही उतार चढ़ाव रहे हैं। 1947 से ही हम इसके संबंध के बारे में देखेंगे, उसी समय से देखेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या उतार चढ़ाव रहा है। ठीक है, 1947 ईस्वी में दोनों राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं। 1947 ईस्वी में दोनों राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं, वहीं एक राष्ट्र का गठन पंथ निरपेक्ष बहुलवादी और लोकतांत्रिक माध्यम से होता है, दूसरा का सांप्रदायिकता धार्मिक तथा भारत विरोधी के रूप में होता है। उसी समय से दोनों को संबंध आप समझ सकते हैं कि खराब चलने लगे थे। वहीं 1954 ईस्वी में शीत युद्ध के काल में पाकिस्तान अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता है। ठीक है, 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता होता है। 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता होता है। भारत शुरू से ही एक लोकतांत्रिक देश रहा है और भारत कोई युद्ध वगैरह के
पक्ष में नहीं रहा, शुरू से ही ये लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष और बहुलवादी के रूप में ये अपने आप को देखते आया है, ठीक है। तो इस चलते हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो शुरू से कड़वा रहे हैं, किंतु भारत शुरू से ही भारत और पाकिस्तान का संबंध है वो अच्छा बनाने का तत्पर रहा है और मिठास लाने का प्रयास किया दोनों के संबंधों में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1965 ईस्वी में युद्ध होता है सर क्रिक के कारण, सर क्रिक विवाद यहाँ पे रहता है। उसी समय 1965 ईस्वी में सर क्रिक के कारण, सर क्रिक इसी पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता होता है, इसके बाद सर क्रिक के बाद 1971 ईस्वी में युद्ध होता है, बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में ही होता है, ठीक है। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता होता है, वहीं 1980 ईस्वी के दशक से पाकिस्तान प्रॉक्सीवार यानी छदम युद्ध शुरू कर देता है, छुप छुप करके सीज फायर का उल्लंघन करता है, अटैक करता है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, ठीक है। 1999 ईस्वी में लाहौर घोषणा पत्र यहाँ पे जारी होता और लाहौर घोषणा पत्र के साथ साथ लाहौर बस सेवा भी अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किए थे, ठीक है। 1999 ईस्वी में यही लाहौर घोषणा पत्र और बस सेवा के बाद कारगिल युद्ध होता है, ठीक है। 2001 में आगरा शिखर वार्ता, कारगिल युद्ध के बाद आगरा शिखर वार्ता होता, वहीं आगरा शिखर वार्ता के बाद 2001 में ही भारतीय संसद पे पाकिस्तान तो के आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है, ठीक है। तो जब भी भारत ने वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तब पाकिस्तान या पाकिस्तान के द्वारा गठित आतंकवादियों द्वारा भारत पे हमला किया जाता है, ठीक है। फिर देखिएगा 2003-04 में सचिव स्तरीय वहां पे वार्ता होती है, फिर 2005 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा की शुरुआत किया जाता है, 2006 में खोखरा पार से मुनावाओ रेल सेवा शुरुआत होता है, 2006 में क्या होता है खोखरा पार से मुनावाओ रेल सेवा की शुरुआत, भारत बहुत प्रयास किया वहां संबंध अच्छा करने का, ठीक है। 2008 में मुंबई खोखरा पार से मुनावाओ रेल सेवा के बाद 2008 में देखेगा मुंबई पे आतंकवादी अटैक होता है, वहीं मुंबई के ताज होटल, ओबराय होटल और सीएसटी स्टेशन पे आतंकवादी हमला होता है, जहां बहुत ज्यादा जान माल के नुकसान भी हुआ था। 2014 ईस्वी में जब वर्तमान मोदी सरकार ने पहली बार शपथ ग्रहण किया था तो सभी पड़ोसी देशों का यानी फर्स्ट नेवर इनका नारा ही था कि पहले पड़ोसी देश इसके बाद ही कोई, तो इसके तहत इन्होंने सभी पड़ोसी देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया था, वही शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण के कारण पाकिस्तान का जो पीएम थे वो भारत आए थे, ठीक है। 2015 में पाक पीएम के घर शादी में मोदी अचानक पहुंचे थे, 2015 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर वर्तमान में जो इंडिया में मोदी सरकार है उन्होंने शादी में पहुंचे थे, ठीक है। 2016 में इसी समय उरी पठान कोर्ट के सैन सीवी पर पाकिस्तान द्वारा हमला करवाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि भारत ने जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तब पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधि भारत के धरती पे हुआ है, ठीक है। 2018 ईस्वी में नए पीएम जो वहां के इमरान खान है वो उन संबंध भारत के अच्छा बनाने का माहौल बनाया और उनके गठन में बोले भी कि भारत के संबंध में अच्छा करूंगा, तो उसी समय करतारपुर कॉरिडोर खोला गया 2018 ईस्वी में, किंतु 2019 में ही पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, जवाब में भारत द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ा जब तक वहां उधर से मतलब हम कह सकते हैं कि उधर से जब आतंकवादी गतिविधि या यूं कह सकते हैं कि दोनों की सरकार को अस्थिर करने का वहां के आतंकवादी ने भरपूर प्रयास किया है, ठीक है। 2020 में
आप देख सकते हैं नगर कोटा में सीआरपीएफ पोस्ट पर हमला होता है, वहीं 28 जुलाई को पूंछ में गोलाबारी होती है। तो 2020 तक वर्तमान में भी आप देखिएगा सीज फायर का उल्लंघन होते रहता। 29 जुलाई यानी वर्तमान में पाकिस्तान सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इसमें गोलीबारी में सेना के एक फोर्टर की मौत भी पाकिस्तानी की हो गई। तो आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से यदा कदा यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन किया जाता रहा है। वहीं अप्रैल में ही आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में सुंदरबनी में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, जिसमें 2 जवान की मौत भी हो गई थी। 11 जून को 1 सैनिक यहाँ के शहीद भी हो गए थे। वहीं 20 जून को कठुआ में एक ड्रोन को पकड़ा गया, 20 जून को ही यानी 20 जून को कठुआ में एक ड्रोन पकड़ा गया, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार भी थे। तो हम कह सकते हैं कि 20 जून यानी लेटेस्ट मामला है, ठीक है। कठुआ में एक ड्रोन यानी ड्रोन के माध्यम से ही पाकिस्तानी गतिविधियां भारत में चलाई जा रही है, यानी जम्मू कश्मीर को समस्या एक खत्म नहीं हुआ है, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश बना भी दिया गया, तो यहाँ भरपूर उन लोग अस्थिर करने के लिए आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तानी द्वारा चलाए जाते रहा है, ठीक है। वहीं आप देखिएगा भारतीय सेना जो है जम्मू कश्मीर पुलिस अर्ध सैनिक बल जो है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पहला आतंकवाद, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा जो हो गया कोरोना वायरस। वर्तमान जो समय है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, अभी भी वहां पे सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, जबकि वर्तमान समय में पूरा विश्व महामारी की चपेट में कोरोना वायरस के है। तो हम कह सकते हैं भारतीय सेना इतना अडिग है और डटा हुआ है कि वहां पे 3 मोर्चे पर काम कर रहा है, आतंकवाद, पाकिस्तान और कोरोना वायरस। कश्मीर के जो IGP हैं विजय कुमार ने बताया है कि पिछले कई एक महीने से 4-5 महीने में घाटी में सक्रिय आतंकी जो संगठन है उनकी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो घाटी में आतंकवादी संगठन है जैसे लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और गजबज उल हिंद, इनकी जो मुख्य सरगना है वो मारा जा चुका है। यानी कश्मीर के जो IGP हैं उन्होंने ही खुद बयान दिया है कि लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और गजबज उल हिंद के जो प्रमुख सरगना है उनके मुख मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया भारत और पाकिस्तान के संबंध। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान के आर्थिक संबंध भी क्या रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के आर्थिक संबंध अभी तक कुछ बड़ा नहीं रहा है, फिर भी आर्थिक संबंध को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वह भारत और पाकिस्तान का जो व्यापार है 2018-19 में पाकिस्तान को भारत से होने वाला निर्यात मात्र 2.17 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत के कुल निर्यात में 0.83% का हिस्सेदारी है। तो कह सकते हैं कि यहाँ के आयात और निर्यात भी बहुत कम है, जबकि अगर दोनों का संबंधों में सुधार हो जाए तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से आयात और निर्यात भी बढ़ सकता है। वहीं कुल आयात 50 करोड़ डॉलर से कम है, भारत के कुल आयात इसमें है 0.13%, यानी जो आयात है आयात 50 करोड़ डॉलर से भी कम है। तो कह सकते हैं दोनों का जो संबंध है वो व्यापारिक रूप से भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए आज भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके, और इसे लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी ये वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय बाय।